सर काय ले ओ तकिया जाड़ा लगे, सर काय ले ओ तकिया जाड़ा लगे, जाड़े में बलमा प्यारा लगे। दोस्तों कैसे हो दोस्तों, जीमेल का बहुत ही बढ़िया अपडेट हम सभी जीमेल यूजर्स के लिए आया है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी के टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ, और सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये अपडेट कैसा है। दोस्तों ये जो पुराना वाला अपडेट है ये देखिए कैसा है, पुराना वाला जो इंटरफेस है ये किस तरह का है, और ये जो नया वाला इंटरफेस है ये देखिए ये किस तरह का है। तो बहुत सारी चीजों का इसमें बदलाव किया गया है, और कुछ सेटिंग्स को इधर से उधर इधर बदलाव किया गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबको ये भी बताऊंगा कि जो सेटिंग्स है, कुछ जो चीजें हैं वो किस कहां पर किया गया है, कहां पर नहीं किया गया है, और आप इसको कैसे वो पुराना वाला जो वर्जन था, जो ये इस तरह पुराना वाला जो अपडेट है इसी की तरह आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने स्मार्टफोन में इसे अपडेट को, ये जो नया अपडेट आया है इसको आप कैसे अपने स्मार्टफोन में यूज कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर में ये जो अपडेट आया है आप अपने स्मार्टफोन में इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों सिंपली आपको जाना है अपने प्ले स्टोर में, और वहां से आपको जाना है अपने एप्लीकेशन यानी जीमेल एप्लीकेशन को जो इंटरफेस होता है वहां से आप इसको अपडेट कर लीजिएगा। जैसे ही आप इसको अपडेट करेंगे तो आप जब फिर दोबारा अपने जीमेल में आएंगे, जीमेल के एप्लीकेशन में जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपको ये अपडेट मिल जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर में जो जीमेल का न्यू अपडेट आया है हम सभी जीमेल यूजर्स के लिए, इसमें बहुत सारी चीजों का बदलाव किया गया है। जैसे कि कुछ सेटिंग्स को इधर से उधर कर दिया गया है, फिर इधर से उस तरफ कर दिया गया, तो सारी चीजों का इसमें बदलाव कर दिया गया है। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको चलना होगा हमारे स्मार्टफोन की स्क्रीन पर। तो दोस्तों सिंपली जाना है आपको अपने जीमेल के एप्लीकेशन में, मैं भी चलता हूं अपने जीमेल के एप्लीकेशन पर, और देखिए जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसमें क्या नई नई चीज़ें मिली हैं और किस चीज़ को, किस सेटिंग को इधर से उधर किया गया है। इसलिए मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ कि आपको इसमें नई नई चीज़ें क्या क्या मिली हैं। तो आपको ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे सबसे पहले ये जो देखिए जो सेटिंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके बगल जो ये सेटिंग्स का जो लोगो है देखिए उसका इंटरफेस यहाँ पर बदल दिया गया है। उसके बाद ये जो आपको देखिए लेटर आपको दिखाई दे रहा है, जो मतलब वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, देखिए इसका भी जो स्टाइल है उसको भी चेंज कर दिया गया है। अब बात करते हैं दूसरा चीज़ क्या इसमें बदलाव किया गया है। ये जो आपको ऊपर की तरफ देखिए दिखाई दे रहा है जीमेल जो रेड कलर का लिखा गया है, इसमें देखिए जो यहाँ पर पहले क्या होता था कि यहाँ पर आप जो ओल्ड वर्जन वाला जो होता था तो यहीं से आप अपने अकाउंट को अदल बदल कर सकते थे, दूसरा अकाउंट आप चूज कर सकते हैं, यूज कर सकते थे, तो यहाँ से आप होता था। लेकिन इस चीज़ को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। आपने इसको महसूस किया होगा, देखा भी होगा आपने इसको, तो इस चीज़ को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है और इस चीज़ को लाकर यहाँ पर रख दिया गया है। इसको आपको स्लाइड करना है, और स्लाइड करने के बाद जो ये ऊपर की तरफ एक छोटा सा लोगो दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है, वो जो कि मैं इसको ब्लर कर दिया हूँ, मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो आपका जितना सारा अकाउंट रहेगा यहाँ पर शो करेगा, और आप यहाँ से एक दूसरे को आप अदल बदल कर सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया ये फीचर लाया गया है। अब चलिए इसको मैं बैक करता हूँ और आगे की तरफ बात करते हैं। ये जो नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा प्लस वाला आइकन, सबसे पहले तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इसका मतलब है कि आप एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं। तो इसका भी जो इंटरफेस है वो भी चेंज कर दिया गया है। जो पुराना वाला जो इंटरफेस था उसमें जो एक मतलब सेंड का तरीका था, जैसे कि व्हाट्सएप में होता था सेंड करने के लिए, उस तरह का लोगो होता था, लेकिन अभी देखिए यहाँ से चेंज कर दिया गया है। तो चलिए मैं भी इसको ओपन करके दिखाता हूँ, और जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है। तो आप यहां से एक दूसरे को मैसेज, एक दो ABCD जो भी लिखना चाहते हैं आप यहां से लिखकर किसी को मैसेज भेज सकते हैं। तो दोस्तों यही अपडेट था जीमेल का हम सभी जीमेल यूजर्स के लिए। आई होप आपको मेरी दी हुई जानकारी काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। क्योंकि आपको यहाँ पर हफ्ते में 2-3 वीडियो नहीं, यहाँ पर आपको रोजाना ऐसे ही वीडियो देखने को मिलते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में यही इतना ही। कर काए ले ओ तकिया जाड़ा लगे, कर काए ले ओ तकिया। दोस्तों बिग बॉस में आए अनूप जलोटा के ऊपर मैं 2 लाइनें कहना चाहता हूँ कि कौन कहता है कि बुजुर्ग इश्क नहीं किया करते, कौन कहता है बुजुर्ग इश्क नहीं किया करते, इश्क तो करते हैं पर लोग उन पर शक नहीं किया करते। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, काए ले ओ तकिया जाड़ा लगे, जाड़े में बलमा प्यारा लगे।
सर काए